गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस जनवरी के मंथ में हम लगातार वचन की विशेषताओं को देख रहे हैं, और आज 21 जनवरी 2023 है, और आज एक और वचन की विशेषता को प्रभु के वचन के द्वारा ही हम देखने जा रहे हैं, जो लिखा है भजन संहिता 119 और उसके वर्स 79 के अंदर, साम 119 वर्स 79, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जो तेरा भय मानते हैं वे तेरी ओर फिरें, तब वे तेरी चेतौनियों को समझ लेंगे। हालेलुया। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरें, तब वे तेरी चेतौनियों को समझ लेंगे। हालेलुया। वचन हमें भय मानना सिखाता है। परमेश्वर का वचन जो है वो बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का वचन, आज हम इस बात को मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाता है। हालेलुया। वचन हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर फेरता है। वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता है। पवित्र आत्मा का क्या कार्य है? पवित्र आत्मा का कार्य है कि पवित्र आत्मा हमें वचन के आज्ञा पालन में लीड करता है। वचन को मानने के लिए पवित्र आत्मा हमको लीड करता है, हमको गाइड करता है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, ताकि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा सकें प्रभु के स्वभाव में बदलने के द्वारा। वो सामर्थ हमारे अंदर है, लेकिन वो बहती हुई कब नजर आएगी, वो कब दिखेगी, वो कब मैनिफेस्ट होगी? जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह नजर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर कैसे नजर आएगा? जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन नजर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर कैसे नजर आएगा? जब वो वचन हमारे मुंह में होगा, जब वो वचन हमारी आंखों में होगा, जब वो वचन हमारे कानों में होगा, जब वो वचन हमारे हमारे कामों में होगा, हमारी दिनचर्या में होगा, हमारे उठने बैठने में होगा, हमारे खाने पीने में होगा, हमारे जाने आने में होगा, हमारे सोच विचारों में होगा। हालेलुया। हमारी बातचीत में होगा। जब वो वचन 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 हर समय हम देखेंगे क्या वचन के अनुसार है, क्या वचन के अनुसार नहीं है, इस बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि वही हमारे हर एक निर्णय का आधार है, वही हमारे विश्वास का आधार है, प्रभु का वचन। हालेलुया। प्रभु के वचन को पहला स्थान देने के द्वारा ही हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं। इसलिए वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाता है। पवित्र आत्मा हमें वचन को सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें वचन को, वचन के प्रकाशन देना चाहता है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन सके। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वचन हमें किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाता है, कैसे प्रभु का वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाता है। YouTube पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने आंसर को जरूर दें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।